खेसारी के 22 गानों का क्या राज है? जी हाँ, खेसारी लाल यादव जो कि अपने बंच ऑफ डायरेक्टर प्रोड्यूसर और राइटरों के साथ बैठे हुए हैं, 2 दिन तक घर नहीं गए हैं, 22 गानों का क्या राज है? तो चलिए हम ही बताते हैं आपको, और ये राज खुद खोला है खेसारी लाल यादव ने। खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि वो 2 दिन से घर नहीं गए हैं, 22 गानों की रिकॉर्डिंग की है और उनके साथ कोरियोग्राफर, गाने के प्रोड्यूसर, गाने के राइटर और तो और म्यूज़िक डायरेक्टर तक 2 दिन से घर नहीं गए हैं। आपको ये भी बता दें कि खेसारी लाल यादव लगातार गाना गा रहे हैं और उन गानों में खेसारी ने ये कहा है कि इस महीने उनका 22 सिर्फ लोकगीत आएगा, और तो और सावन के गीतों को छोड़ दीजिए, अगर आप सावन के गीतों को इंक्लूड करेंगे तो लगभग 30 से 35 गाने खेसारी लाल यादव के इस महीने में आने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही बड़े रिकॉर्ड की तरह आप देख सकते हैं कि एक महीने में किसी भी सिंगर के 35 गाने आना बहुत बड़ी बात होती है। और ये सिर्फ हिट मशीन खेसारी लाल यादव, ट्रेंडिंग मशीन खेसारी लाल यादव ही कर सकते हैं। खेसारी ने ये अनाउंस कर दिया है कि तैयार हो जाइए मेरे उन सभी गानों के लिए जो कि सिर्फ जनता के लिए मैंने दिन रात मेहनत कर मैं बना रहा हूँ, और हर एक गाने, जितने भी 22 गाने उनके आ रहे हैं, उन गानों की जो शूटिंग है वो खेसारी स्टार्ट कर चुके हैं और हर एक गाने को खेसारी 3 से 4 घंटे में कंप्लीट कर ले रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, उसमें से एक गाना जो है जिसके लिए खेसारी ये कह रहे हैं तबाही, इसलिए क्योंकि इस गाने के बोल मिक्स होने वाले, यानी हिंदी और भोजपुरी मिक्स गाना होने वाला है। खेसारी इन सारी बातों को लाइव आकर बताए, और तो और यहीं पर उन्होंने अपने एनिवर्सरी का केक भी काटा और सभी को धन्यवाद भी कहा। तो भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।